नमस्कार दर्शक मित्रों, आप सभी का स्वागत है जनमत की पुकार में। श्री राम नवमी के दिन अगर आप प्रभु श्री राम लला की विधि विधान से पूजा करना चाहते हैं तो इसके लिए शुभ मुहूर्त कब है और किस तरह से विधि विधान से पूजा करें, इसके अलावा कैसे श्री राम लला का दुग्धाभिषेक कराए, सब कुछ बता रहे हैं राजेंद्र त्रिवेदी शास्त्री। सुनिए उनका क्या कहना है। जय श्री राम। संपूर्ण हिंदू राष्ट्र के लिए श्री राम नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं एवं अनेक अनेक बधाई। वैदिक हिंदू सनातन धर्म में वैसे तो अनेक अनेक प्रकार के पर्व त्योहार मनाए जाते हैं, जैसे भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी रात्रि में श्री कृष्ण का जन्म हुआ, ठीक उसी प्रकार चैत्र शुक्ल पक्ष नवमी को ठीक मध्यान्ह दिन की 12 बजे भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जन्म हुआ। रामायण में गोस्वामी जी ने अनेक अनेक प्रकार की चौपाइयों में वर्णन किया है कि नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अवजित हरि प्रीता मध्य दिवस अति शीतना घामा पावन लोकदायक विश्रामा। भगवान श्री राम नवमी तिथि मधुमाने होता है चैत्र के महीना, ऐसे पावन पुनीत महीने में भगवान श्री राम का प्राकट हुआ। और इसी प्रकार से 17 अप्रैल 2024 को भगवान श्री राम नवमी है। आप सभी लोग विधि पूर्वक 7:30 बजे से और मध्याह्न 1 बजे तक भगवान श्री राम का पूजन अर्चन करें, जो कि आपके लिए सर्वश्रेष्ठ सर्वोपरि है। अनेक अनेक प्रकार के जाने में अनजाने में किए हुए जो पाप होते हैं हम लोगों से जीवों से, वह सब भगवान श्री राम नवमी को जब तक व्रत अनुष्ठान करने से सभी प्रकार के पाप ताप नष्ट हो जाते हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय माँ पीताम्बरा, जय माँ विंध्यवासिनी। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।